वीटीवी कैनेडा देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है। मैं हाँ थोड़ी होस्ट गुरवंशप्रीत कौर बाजवा। वीटीवी कैनेडा एक जिम्मेवार मीडिया अदारा है, सो साड़ी जिम्मेवारी बनती है कि जो कोई भी फंडरेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उस वालों आई गई मनी नू किवें यूटिलाइज करते हैं उसकी जानकारी थोड़े सब नाल सांझी करना। इस विषय दे विच साडे नाल स्टूडियो दे विच सुनील जी जुड़े हैं जिन्होंने रीसेंटली एक फंडरेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया एंड उस वालों आई मनी नू उन्होंने किवें यूटिलाइज किया, आओ आपां उन्हां तों जानते हैं। सुनील जी, तुसीं सब तो पहला सानू अपनी ऑर्गेनाइजेशन बारे दसो, ये किस तरह लोगों की हेल्प करती है? साड़ी ऑर्गनाइजेशन का नाम है जी दिल दी गल्लां कम्यूनिटी सर्विसिज। हम दिल दी गल्लां कम्यूनिटी सर्विसिज के दो विजन हैगे ने। पहला हैगा है लोगों को एजुकेट करना मेंटल हेल्थ के बारे, मानसिक सेहत एक की होंगी है, इन्हें साड़ी जिंदगी की योगदान हैगा है। दूजा ब्रेकिंग द स्टिग्मा एसोसिएट विद मेंटल हेल्थ, मतलब जरा आप एक गंढ पाई हुई ना भी आप डिप्रैशन एनजायटी स्ट्रैस के बारे गल ही नहीं करना चाहते। जरा आप डरते हैं, आप डरते भी जी मैं किसी दस भी मैंने किसी गलते रोना आता है, मैं किसी गल तो उदास हाँ, मेरा मन दुखिया होया, तो लोग सानू लेबल करे। तो आ जो स्टिगमा है ये अपनी सोसायटी पर्टिकुलर साउथ एशियन कम्यूनिटी बहुत गहरी वाली जड़ा जमा चुके हैं। साडा परपज है आ स्टिगमा तोड़न का। ये तोड़ेंगे किवें? ये तोड़ेंगे असी लोगों एजुकेट करके। मेंटल हेल्थ कोई एक टैबू नहीं हैगा, एक कोई दाग नहीं हैगा तुहाडे उत्ते। जिवें आपां नूं डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, उवें किसी नूं डिप्रैशन हो सकता है, एनजायटी हो सकती है, स्ट्रैस हो सकता है। असीं इस मुहिम दे पिछले 2 साल तों काम कर रहे हैं जी, ते असीं धन्नवादी हैं वीटीवी कैनेडा दे भी इह पहला चैनल सीगा जिन्हें सानूं मौका दित्ता उहनां दी स्क्रीन ते आउण दा। बिल्कुल जी, एंड एक रीसेंटली फंडराइजिंग इवेंट किया सीगा, उहदे नाल तुहानूं की की बेनीफिट्स होए एंड उहदे नाल जो तुहानूं फंडरेज होया उहदे नाल तुसीं की कुछ इंप्रूव किया? जिहड़ा असीं फंडरेजिंग इवेंट किया सीगा उह किया सी 19 जनवरी नूं। असीं सारे कम्यूनिटी पार्टनर सपोर्ट का बहुत बहुत धन्नवादी हैं। सानूं इहदे 2 बेनीफिट होए। पहला बेनीफिट तो यह होया सानूं पता लग गया कि ये स्टिगमा टुट रहे, लोग फॉरवर्ड आ रहे ने। अराउंड 200 परिवार साडे नाल जुड़े जो तुम फंडरेजिंग वास्ते गए, किसी ने $50 की हेल्प की, किसी ने $500 की हेल्प की, बट लोगों ने हेल्प की। तो इन्हें मतलब है पहला स्टैप से भी लोग गल करना चाहते इस बारे, वो ये चाहते भी कोई व्यक्ति सफर नहीं करे। तो सानू एक बहुत मनोबल साड़ा वध्या, साड़ी खुद ही मैंटल हेल्थ इंप्रूव हुई भी असं जो एजेंडा करते पे हैं, जो मुहिम चक्या होया, लोग उनके पिछे चिंतित है, उन्होंने कंसर्न है मैंटल हेल्थ, तो सानू सपोर्ट करना चाहते हैं। सब तो वड्डी गल की है भी असं जो फंडरेज किया उन्हें सानू इस लेवल लिया भी अभी कुछ रिसर्च कर सकी, असी कुछ इंटरव्यू कनैक्ट किए, स्टूडेंट्स मिले, बुजुर्गों मिले, ये वेखन की कोशिश की भी मैंटल हेल्थ बारे गल करना इशू क्यों है, की चीज़ लोगों को रोकती है वो गल कर। जी गल निकल के आई उन्हें मैं शॉक नहीं होया, गल निकल के आई सेफ स्पेस। बच्चे है वह तक आज माँ बाप गल कर झिझकते थे, बुजुर्ग है वह अच्छ जवाकों नहीं दिखाना चाहते भी वह किस माहौल तो गुजर रहे हैं, उन्होंने दिमाग से कोई असर पै रहा है, कोई चीज़ उन्होंने चिंतित कर रही है, वह गल नहीं करना चाहते। आ जी शर्म से ना भी हाए जिम्मे कि दसता भी मैं डिप्रैशन चगा, हाए मैं कि दसता मैं स्ट्रैस चगा, एनजायटी चगा, ट्रोमा चगा, तो लोग मैनू पता नहीं कि निगाह ना देखेंगे। हूँ ये जी गल बचपन से दिमाग बैठी हुई है, मानसिक सेहत बारे आप गल करना नहीं चाहते। ये टैबू इन्ना गहरा अपने जिंदगी जड़ा जमा चुके हैं, इन हिलाना शेक करना बहुत जरूरी है। जो सू गल समझ आ गई, एक पिन पॉइंट हो गया भी सेफ स्पेस, भी लोग आदि डॉक्टर नहीं गल करना चाहते, घर नहीं गल करना चाहते, कई कोई चंगे मित्र है। हूँ इतने मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा एक अच्छा दोस्त तर जिंदगी है ना, जिंदगी तुम रो सकते हो, ये बाबे की नियमत है। जोड़ा तरा सच्ची पक्का दोस्त हो, मनो दिखावे ले नहीं मनो। हूँ जे बंद को चलो दोस्त है वो रो पिया, उन्हें गल दस ली, हूँ जे बंद चंगा सच्चा दोस्त भी है नहीं वो कितने जाए? तो मेजोरिटी यह जी हैगी है भी जिते लोगों को किसी की गल सुन टाइम ही है नहीं गा। तो फिर ये सारा जो प्लेटफॉर्म है असी लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ अमेरिका, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पीयर कंसल्टेशन। हूँ तुम एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा वट इज पीयर कंसल्टेशन। हूँ पीयर कौन होया? पीयर वह व्यक्ति होया जरा जब तक खुद इस डिप्रैशन एनजायटी स्ट्रैस के सर्कल तो निकलिया होया, भले उन्हें मेडिकेशन लीती है, काउंसलिंग लीती है, या उन्हें पीयर ग्रुप अटेंड किए हैं, बट हूँ ठीक हो गया
या उन्हें किसी व्यक्ति की हेल्प की आ दे बेटे की बहन की भरा की माँ बाप की जिन्हें उस सर्कल तो निकल रहे थे डिप्रैशन के तो आप बंद ने उन्होंने हेल्प की उन्होंने एक्सपीरियंस है उस तरह के व्यक्ति गल कर या वह व्यक्ति जो क्वालिफाइड है रजिस्टर्ड काउंसलर है सोशल वर्कर है यूथ वेलफेयर वर्कर है मैंटल हैल्थ नर्स है साइकेट्रिक नर्स है जो क्वालिफाइड है जब वह बंदे है इन्हें जो कोई भी व्यक्ति पीयर हो सकता है हम ना दो मौके गए पहला वो लोगों जेड़े कल्ले रो के दुख भुगत के फिर किसी ने उन्होंने हेल्प की बांह फड़ी आदा मोढ़ा दिता रोन वास्ते तो अज ठीक हो गए ने हम वॉलंटरी करना चाहते हैं बट वो की करन वो की सोशल मीडिया जाके ये बोलन भी मैनू डिप्रैशन सीगा जी हूँ मैं ठीक हो गया मेरे तो हेल्प ले लो नहीं दस सकते क्योंकि टैबू बहुत स्ट्रोंग है बट नाउ उन्होंने को एक अपॉर्चुनिटी हैगी है वो साड़ी वैबसाइट DDG.ca ते जाके रजिस्टर कर सकते एक पीयर बनने पीयर बन सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब नाल तुसी कहो मैं 2 घंटे वॉलंटरी करना चाहना 4 घंटे वॉलंटरी करना चाहना 6 घंटे करना चाहना एनी डे एज पर योर चॉइस तुसी आधे घंटे सानू डोनेट कर सकते हो हुण साडे कोल फिलहाल 38 एप्लीकेशन आई हैं असी 23 एप्लीकेशन एक्सैप्ट कीतियां साडे कोल अराउंड 50 घंटे हर हफ्ते अवेलेबल हैगी है पीयरस दे जिहड़े आधा टाइम दान करन नू तैयार है लोगों की हैल्प करन नू तैयार है बट दूजी लड़ाई जिहड़ी असी लड़नी है वह साडी बहुत भारी लड़ाई है वह हैगी है असी लोगों नू इह कहना उन्हें जाके शेक करना उठाना भी उठ जाके गल कर आदे मन नू हल्का कर गुरुवंश जी हमारा ना दिल्ली कलम एक मोटो है मन में भरकर मत जिए मन भरकर जिए तो आप मन भरकर तभी जिएंगे जब आपका मन हल्का होगा उसके अंदर कोई नेगेटिव विचार नहीं होंगे जो ओवर थिंकिंग कर करके आप लोगों ने सोच एक बना ली है उसको नहीं तोड़ेंगे तो जिंदगी खुशनुमा नहीं गुजरती लोग दो तरह की जिंदगी जीना शुरू करते हैं मुखौटा लगाकर एक मुखौटा दुनिया को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे हंसती खिलखिलाती तस्वीरें खिंचवाने के लिए दूसरा जेन्युइनली मैंने कहीं पढ़ा था एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है वो आंखें जो तकिए के अंदर आंखें बंद करके रोती हैं उनको सहारा देना बहुत जरूरी है वो तभी हो पाएगा जब हमारे समाज के अंदर एक एक प्रेरणा होगी एक उत्तेजना होगी एक्साइटमेंट होगा भी मेंटल के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते चलो बात करते हैं लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा दिल दिया गल्ला कि ये मुहिम है पिछले 2 साल से भी स्टिग्मा को तोड़ा जाए अभी एक मौका है हमारे पास शायद ये पहला और लास्ट मौका होगा क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे एफर्ट्स हो सकते हैं हम एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं बट वो सभी चल पाएगा जब हमें पीयर मिलेंगे वो लोग जो अपना टाइम डोनेट करना चाहते हैं वो जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और वो लोग जिन्हें हेल्प की जरूरत है उनको हम ये मैसेज कन्वे करें भी आपको बिना किसी जजमेंट के बिना किसी लेबलिंग के बिना किसी बायसेस के सुना जाएगा आपको ये बताया जाएगा भी देयर इज अ लाइट इन द एंड ऑफ टनल गुफा जब खत्म होती है ना गहरी आगे रोशनी आनी ही आनी है सूरज देवता ने आज तो कल अपना चेहरा दिखाना ही दिखाना है तो क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे जो किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो प्लीज विजिट अवर वेबसाइट www.thedg दिल दिया गल्ला के पहले 3 लेटर .ca जब आप हमसे संपर्क करेंगे एक फॉर्म होगा इसके अंदर वो फॉर्म से सिर्फ हमें मिलेगा तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी 100% प्रोटेक्टेड रहेगी उसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे और वी विल कनेक्ट विद यू विद अ सेकंड ईमेल जे तुसीं सानू फोन करना चाहते हो तो फोन भी कर सकते हो शामी 4:30 बजे तो बाद 604-561-4527 गुरु सिंह जी आप भी अगर अपने व्यूअर को एक रिक्वेस्ट कर दें ये जो मेंटल हेल्थ है ना इससे बाहर निकल के एक अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ जिया जा सकता है मैं गुरवंशप्रीत कौर थानू सारियां नू ए कहना चाहनी हाँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पौंदा काम कर रहे ने ते सानू सारियां नू इन्हां नू वध चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए इन्हां दा सहयोग करना चाहिए ताकि ये बहुत अगे वध सकन